मेरे प्लान के मुताबिक चलते ना बॉस, तो लाठी भी नहीं टूटेगी और है ना कुंडा। क्या कह रहे थे चारी? कुछ नहीं मैडम, बस ऐसे ही बात कर रहे थे। अनु बचपन के बारे में कुछ बता रही थी, वही कह रहा था वो। ओह, और क्या कहा था? बॉस अभी नहीं, बाद में। कुछ नहीं होगा, बताने देना। ठीक है। उसके पैदा होने से पहले आपने लड़की की मन्नत मांगी थी ना? ओह, उसे अब तक ये बात याद है? कैसे याद नहीं होगी मैम, वो आज इस मंदिर में यही मन्नत मांगने आई है कि आप दोनों में जो झगड़ा है वो यही खत्म हो जाए और आप दोनों फिर से एक दूसरे से पहले जैसी बातें करने लगे। वो मुझसे माफ़ी मांग सकती थी, मैं माफ़ी देने से मना थोड़ी कर देती, आखिर मैं उसकी माँ ही तो हूँ। वो आपकी सारी बातें मानने को तैयार है, लेकिन वो चाहती है कि आप भी उसकी सारी बातें समझने की कोशिश करें। यस मैम, वो उस लड़के से भी शादी करने के लिए तैयार है जिसे आपने उनके लिए चुना है। मैम, ऐसा कहते हैं कि एक माँ से ज्यादा उसके बच्चों को और कोई प्यार नहीं करता, और अगर ये बात सच है और आप अपनी बेटी से प्यार करती हैं तो जाकर उससे बात कर लीजिए प्लीज। मतलब अगर आप चाहें तो उसे एक मैसेज भेज सकती हैं कि अनु आई वांट टू टॉक टू यू, बस शायद वो मैसेज पढ़कर खुद ही आपसे बात करने आ जाए, इससे आपका ईगो भी हर्ट नहीं होगा। मैम, अनु आपके सामने ही है शैलजा जी, उसकी शादी की खातिर एक मैसेज आपको उसे करना ही चाहिए, मेरी बात मानिए। चाहती है। आपका टाइम आएगा। थैंक यू सो मच। टाइमिंग गलत हो गया। अनु, अनु, ये मैं हूँ चैतन्य, तुम्हारी मम्मी तो वहाँ खड़ी है। शायद तुमने अपनी मम्मी समझकर मुझे ही गले लगा लिया, लेकिन वो तो वहाँ पर हैं। आप भी ना मैडम, माँ से बात होने की खुशी में इनका हक ही पूरी तरह से भटक गया। इनको तो अपने बेस्ट फ्रेंड में भी अपनी माँ का रूप दिखने लगा। इसे कहते हैं माँ के लिए बेटी का सच्चा प्यार। अनु, टाइम वेस्ट मत करो, जाकर उनसे बात कर लो। वाह 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 वाह, इसने यहाँ भी नाटक शुरू कर दिया। इस हैप्पी सिचुएशन में विलेन की एंट्री कहाँ से हो गई? अब खड़े खड़े मुंह देखेंगे या कुछ बकेंगे भी? Who are तू? इसकी बहन के साथ मेरे बेटे की पिछले महीने सगाई होने वाली थी और मैं इसका अंकल बनने वाला था। पर बने तो नहीं ना। अब आप क्या चाहते हैं? ज्यादा कुछ नहीं, बस शैलजा जी से बात करना चाहता हूँ। मैं हूँ शैलजा, क्या बात है? ये लड़का और आपकी बेटी अनु दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, यहाँ तक कि आपकी मर्जी के बिना इन दोनों ने सगाई भी कर ली है। दोनों ने 25 तारीख को शादी करने का फैसला लिया है और इसके पापा ने ये सब कुछ अनाउंस भी कर दिया है। हे, तू जानता है मुझसे झूठ बोलने का अंजाम क्या है? मैं जानता था आप मेरी बातों का यकीन नहीं करेंगे, इसलिए सबूत साथ में लाया हूँ। ये देखिए, गौर फरमाइए अच्छी तरह से। बड़ी अजीब बात है, यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं सब सच्चाई जानते हैं, बस आप ही नहीं जानती। तुम लोग चुप क्यों हो? बोलो ना भाई। हाँ माँ, मुझे इस बारे में पता था, लेकिन अनु ने खुदकुशी की धमकी दी थी, इसलिए मैंने आपको। मैम प्लीज मेरी बात सुनिए, लेट मी एक्सप्लेन। मैम प्लीज, मैम प्लीज मेरी बात तो सुनिए। मैम मैम सुनिए मैम। ये तू जानता है मुझसे झूठ बोलने का अंजाम क्या है? मेरी बेटी बराबर की जिम्मेदार है, इसलिए छोड़ रही हूँ, वरना मैं यही तुझे जिंदा गाड़ देती। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुझे आधे घंटे का वक्त देती हूँ, अगर आज के बाद तू यहाँ कहीं भी दिखा
तो सच में तुझे गाड़ दूंगी। छे, तुम बाप के नाम पे कलंक हो। अब चलते हैं। जी मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर इसे अपनी माँ की ही इज्जत नहीं है, ना ही परिवार की मान सम्मान की इज्जत है, इसे नफरत है मुझसे, ये मुझसे दूर रहना चाहती है, तो इसे डांट कर कोई फायदा नहीं। मुझे लगा मेरी बेटी में बहुत घमंड है, पर वो तो झूठ बोलना भी सीख गई। इसने बिना पूछे अपनी सगाई कर ली, क्योंकि इसकी नजर में अपनी माँ की कोई कीमत ही नहीं। 5 साल पहले भी इसने मुझे बेइज्जत किया, इसीलिए मैंने इससे बात करनी बंद कर दी थी। इसकी शादी के लिए मैंने एक से एक लायक लड़के ढूंढे, डॉक्टर ढूंढा, वकील ढूंढा, इसने सबको रिजेक्ट कर दिया। और इस लड़के के लिए तूने मुझे धोखा दिया। हाँ, शैलजा रेड्डी का नाम सुनते ही दुश्मनों की रूह कांप जाती है, लेकिन आज मेरी अपनी ही बेटी ने मेरा अस्तित्व बिठा दिया। शैलजा जी, मैंने कभी आपके खिलाफ कुछ नहीं कहा, मेरी बात मानिए, ये आपकी बेटी है, आपको कभी धोखा नहीं देगी, क्योंकि ये आपसे प्यार करती है, ठीक वैसे ही जैसे आप इससे प्यार करती हैं। अगर ये मुझसे प्यार करती है तो इससे कहो कि मेरी हर कही हुई बात को मान ले, बिना किसी घमंड और जिद के। इसने कहा कि मुझे आर्ट पढ़ना है और हमने इसे पढ़ने दिया। अब इससे कहो कि चुपचाप मेरा कहना माने, जिसे मैंने चुना है उससे शादी करे, पर उसकी मर्जी के बिना ये नहीं। कैनू, जबान लड़ाते हो। शैलजा, मुझे देखकर कुछ याद आया? पिछले कई हफ्तों से मुझे इसी पल का बेसब्री से इंतजार था और आखिर वो पल आ ही गया। आज पुराना हिसाब चुकता कर लेते हैं। एक राज की बात बताऊं? मैंने अपनी बीवी और अपनी माँ को अपने यादों से काट के नदी में फेंक दिया। हाँ, तंग आ चुका था मैं उनके झगड़े से, और आज तेरे भी टुकड़े करके मैं तुझे भी उन्हीं के पास पहुँचाऊंगा। शैलजा रेड्डी वो शेरनी है जिसे तेरे जैसा कायर कभी नहीं मार सकता। आ, मार मुझे, देखती हूँ कितना दम है। आजा। वैसे भी इसके मर जाने से तो तेरा भी फायदा होगा। ए, मैं अपने फायदे के लिए नहीं आया था। मैंने अनु से वादा किया था कि उसके परिवार पर कोई भी मुसीबत आए, मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा, और मैं वादा नहीं तोड़ता। जैसी तेरी मर्जी, अब तेरा भी खेल खत्म। Oh!
अनु। यहाँ से चलो मम्मी।